CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 4 की ध्वनि शाला में। बच्चों आदाब, आज चौथी जमात की इब्तदाई उर्दू की किताब का पहला सबक सुबह की आमद आपके सामने पेश किया जा रहा है। पहले नज़्म को पढ़ा जाएगा, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज पर गुफ्तगू होगी कि किस तरह यह सबक हमारे लिए कारामद हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सुबह की आमद को देखते हैं। सुबह का तसव्वुर हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। आमतौर पर सुबह के वक्त की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे अदब बिलखसूस शायरी में इसकी खसूसी अहमियत है और तकरीबन हर शोरा ने सुबह के मनाजिर और उसकी अहमियत पर खूबसूरती के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया है। यह सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि दुनिया की सभी जबानों में सुबह पर नज़में मौजूद हैं। इसमें नज़म में 5 बंद हैं जो मुखम्मस की शक्ल में हैं। अब मुखम्मस उस नज़म को कहते हैं जिसका हर बंद 5 मिसरों या 5 लाइनों पर मुश्तमिल हों। अभी आपको इन मुखम्मस की शक्ल में बहुत ज़्यादा गिरफ्तार होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ये आसानी से कह सकते हैं कि हर नज़म में हर बंद में 5 मिसरे हैं। इस नज़म में उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ कि तकरार से सुबह की अहमियत का एहसास दिलाया गया है। नीज इसकी तकरार से नज़म में भी खूबसूरती पैदा हो गई है। इसमें न सिर्फ सुबह की अहमियत का एहसास दिलाया गया है बल्कि ज़िंदगी में सारे काम वक्त पर करने की तरफ भी इशारा है, यानी वक्त की कदर करने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने का तसव्वुर पेश किया गया है। इस नज़्म के ज़रिए ज़बान सिखाना और उसकी महारतों को फ़रोग देना है। इसके कितने तरीके हैं या हो सकते हैं इस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन आइए सबसे पहले हम नज़्म को पढ़कर देखते हैं कि इसकी क्या चीज़ें बयान की गई हैं। नज़्म का उन्वान है सुबह की आमद। आमद का मतलब होता है आना। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अज़ा पर अज़ा मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फुलाती, मेरी या मदामत के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। जो तोते ने बागों में टेंटें मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई, और ऊंची मुंडेरों पे शामा भिगाई, मैं 100 तरह दे रही हूँ दुहाई, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शम्मा को अंजुमन में, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। यह नज़्म इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है। इस्माइल मेरठी बच्चों के एक अहम शायर हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं और किताबें भी मुरत्तब की हैं। उनकी आज यहाँ यही नज़्म सुबह की आमद पढ़ी गई। उम्मीद है कि आपको यह नज़्म अच्छी लगी होगी। तो आइए बच्चों, इस नज़्म के हवाले से हम उन ज़बान की महारतों को कौन कौन सी हैं जो हमें सीखनी चाहिए और इसी सबक में किस हद तक मदद कर रहा है। तो ज़बान की चारों महारतें, जैसा कि हम जानते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हम पहली जमात से करते आ रहे हैं, बल्कि सुनने और बोलने की महारतें तो बहुत पहले से हमारी फ़रोग पाती रही हैं, डेवलप होती रही हैं। स्कूल में आने के बाद जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पहली जमात से पढ़ने और लिखने की महारतों पर हमारी तवज्जो ज़्यादा हो रही है। लेकिन चूंकि जैसे जैसे हम क्लास में आके बढ़ते जाते हैं, सिर्फ पढ़ना लिखना ही माने नहीं रखता, बल्कि ज़बान सीखने की जो बहुत और सारी खूबियाँ हैं हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम नज़्म को पहले बंद को देखते हैं जिसमें 5 मिसरे हैं। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ,
उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। जाहिर सी बात है कि यह एक तरह से ऐलान है, सुबह होने वाली है, सूरज निकलने वाला है, और सुबह की आमद का पता किन किन तरीक़ों से होता है, जाहिर बात है उसकी भी मदद ली गई है यहाँ पर, कि खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। वह एक तरह से सुबह होने वाली है और सुबह खुद खबर दे रही है अपने बारे में कि ऐ सोने वाले, अब उठ जाओ, मेरी आमद शुरू हो चुकी है। बाहर अपनी मशरक से दिखला रही हूँ। मशरक से बाहर दिखलाने का मतलब ये होता है कि सूरज जो है वो ईस्ट में निकलता है, यानी मशरक में निकलता है, तक यह कि यूनिवर्सल तुरज जिसको हम कहते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूरज मशरक से निकलता है, तो उसी की बात तरफ इशारा किया गया है कि अब जो है सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, रात की तारीकी ख़त्म हो रही है और उजाला फैल रहा है और सुबह की आमद शुरू हो चुकी है। तो सोने वालों, जो रात भर सोते रहे हो, अब उठिए और अपने काम धंधों पर लग जाइए। तो यहाँ पहला लफ्ज जो है इसमें खबर इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब इस खबर को, ये वाहिद है, इसको हम सिंगुलर जब बनाएंगे तो खबर की जमा अखबार हो जाएगी, और अखबार की जब जमाउल जमा बनाएंगे यानी उसको मजीद जो है हम जमा बदल देंगे तो अखबारात हो जाएगी। अब हम ज़बान सीखने की इस मरहले में हैं कि हमें कवायद की तरफ भी खसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। कोई ज़बान हम उस वक्त तक बेहतर तरीके पर नहीं बोल सकते, नहीं समझ सकते, जब तक कि हम उसके कवायद को, उसके ग्रामर को नहीं समझें, नहीं जाने। तो हमें अब सिर्फ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ही अहम नहीं है, बल्कि उस पढ़ने लिखने या ज़बान सीखने में ग्रामर का जो अपना हिस्सा है वो किस तरह हमारी मदद करता है ज़बान सीखने के लिए, हम इस पर भी गौर करते चलें यहाँ पर। तो पहला मिसरे में खबर लफ्ज़ आया, इसी के भी फिर उजाला आया, तो उजाले का क्या मुतजाद हो सकता है? तारीकी। जाहिर सी बात है कि उजाला और तारीकी, अंधेरा। बाहर अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आया मशरक़, जिसको हम कहते हैं कि ईस्ट। यहाँ बच्चों को ये भी इल्म होना चाहिए कि जो चार दिशाएँ हैं, चार जहाँ दुनिया की, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वो किस तरह बच्चों की पहचान कराएँ। तो उस्ताद किसी भी तरह से बच्चों को उनके एक मशक करा सकते हैं कि मशरक कौन सा हिस्सा कहलाता है, मगरिब का हिस्सा कौन है यानी वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ यानी शिमाल का कौन सा हिस्सा है, और जनूब यानी साउथ का कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों को ये हमें एहसास दिलाना चाहिए कि हमारे चारों तरफ हम कैसे अगर खड़े होते हैं तो हमारे दाएं बाएं आगे पीछे चार दिशाएं होती हैं, कौन सी दिशा को क्या नाम है, क्या कह सकते हैं, उसको हम कैसे, किस तरह जानेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज ये दी गई है, हमने बना दी है कि एक लफ्ज़ है न्यूज़, यानी NEWS। जब न्यूज़ हम कहेंगे तो हमें कुछ याद नहीं रखना है, बल्कि उस न्यूज़ की मदद से हम खुद बखुद तय कर लेंगे कौन सा हिस्सा है, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड S फॉर साउथ। न्यूज़ जब हम कहेंगे वो ऊपर दाईं तरफ से, हम ऊपर से आएंगे हम दाईं तरफ और दाईं से बिल्कुल बाईं तरफ चले जाएंगे W की तरफ, और W से फिर नीचे आ जाएंगे S। तो इस तरह से एक लफ्ज़ अगर हम याद रखें न्यूज़, तो हम सारी दिशाओं को आसानी से समझ सकते हैं। ये तो पहले में बंद की बात हो गई कि बाहर अपनी मशरक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ। अब देखिए कि हर मिसरा हर बंद में इसकी तकरार हो रही है कि चार लाइनें कहने के बाद फिर एक लाइन इसकी यह कि दोहरा दी जाती है कि उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ, यानी बार बार वो आपको आगाह कर रही है सुबह कि ज़्यादा देर तक सोना मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं है, जिना ये न सिर्फ सेहत के लिए ख़राब है बल्कि हमारी कामयाबी पर भी इसका असर पड़ता है। अगर हम देर तक सोएंगे तो हमारा वक्त पर असर पड़ेगा, हम कोई काम वक्त पर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को इस तरह से लिया गया है। अगला बंद देखते हैं कि अज़ा पर अज़ा मुर्ग देने लगा है। अब यहाँ अज़ा पर अज़ा आमतौर पर शहरों में ये बात देखने में नहीं आती, लेकिन जो लोग गांव और देहात में अभी रहते हैं, रहने वाले हैं वहाँ के लोग, वो जिन्होंने ये मंजर देखा होगा कि जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो एक घंटा पहले ही तकरीबन जो है मुर्ग अजान देने लगता है। मुर्ग के बोलने को अजान देने के नाम से ताबीर किया गया है, यानी वो इस बात की अलामत है कि अगर मुर्ग बोल दिया तो अब सुबह शुरू होने वाली है और रात की तारीकी ख़त्म होने वाली है। तो अज़ा पर अज़ा मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, यानी कोई भी जानवर हो, कोई भी चरिंद हो, परिंद हो, हर एक अपने खुशी से मस्त है और वो अपने आप बेदार हो चुका है और वो बोलने लगा है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है,
चहचहाहट से मुराद यहाँ पर हलचल पल चहल पहल है। दरख्तों के ऊपर जो भी चिड़िया हैं, जो भी लोग बसेरा कर रहे हैं, वो सब जो है दरख्तों के ऊपर चहचहा रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर कुछ अजब सी कैफियत पैदा हो गई है। सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। अब उनके लिए सुबह का वक्त जो है बहुत सुहाना हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है और हवा भी ठंडी चल रही है। और फिर उसी मिसरे की तकरार हो गई, उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ। तीसरा बंद देखिए, ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे है गुल मचाती हैं, ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, गुल मचाना मतलब शोर करना, शोर मचाना, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती। अब इस मिसरे में इधर उधर आती जाती यानी मुतजाद लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी इनको विलोम शब्द यहाँ पर दुमों को हिलाती परों को फुलाती। यहाँ दुम लफ्ज दम है, दुम दुम का मतलब होता है पूछ। अगर उसी लफ्ज़ को हम ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो दम हो जाएगा, उस पर हमने पेश लगा दिया तो दुम हो गया। यानी किस तरह एराब की तब्दीली से लफ्ज़ों का तलफ़ बदल जाता है, उनके माने बदल जाते हैं, यहाँ इस बात की भी वजाहत ज़रूरी है। मेरी या मदामत के हैं गीत गाती, कौन लोग गीत गा रहे हैं, ये चिड़ियाँ जो जो पेड़ों पर गुल मचा रही हैं और जो इधर उधर आती जाती हैं, मेरी आमद आमद के वो गीत गा रही हैं, यानी वो एक इशारा कर रही हैं कि अब सुबह होने वाली है। इस लफ्ज़ में, इस मिसरे में लफ्ज़ मेरी है, मेरी नहीं है, यानी यहाँ पर ये को हजब कर दिया गया, निकाल दिया गया है। ये शेरी तवाज़ुन के वजह से शेरी वजन बरकरार रखने के लिए किया गया है, लेकिन उससे मुराद मेरी ही पढ़ा जाएगा, जबकि लफ्ज़ मेरी लिखा हुआ, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। तो इस तरह बहुत सी सारी तब्दीलियां शायर कर सकता है लफ्ज़ों में। उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ, यहाँ फिर जो है उसी की तकरार की होगी। बार बार ये तकरार इस बात की वजाहत है कि सुबह की अहमियत का एहसास दिलाया जा रहा है और नज़्म की खूबसूरती में भी इससे इजाफा हो गया है। जो तोते ने बागों में टेंटे मचाई तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई। यहाँ पहले मिसरे में तोते की आवाज़ बताई गई है कि उसकी आवाज़ किस तरह की होती, कैसे बोलता है, टें टें करता है। इसी तरह हम बच्चों से और भी सवाल कर सकते हैं कि दूसरे परिंदे वो किस तरह बोलते हैं, दूसरे जानवर किस तरह बोलते हैं, उनके क्या जो है आवाज़ें हो सकती हैं, उस वक्त भी हम उनके बारे में जान सकने की कोशिश कर सकते हैं बच्चों से। तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई, अगर बागों में तोते ने टेंटे मचाए तो बुलबुल भी गुलशन यानी बाग में चमन में आकर उसने भी चहचहाना शुरू कर दिया, यानी वो भी जो है खुशी से जो है वो खुशी से चहचहाने लगी, गाने लगी। और ऊंची मुंडेरों पे शामा भी गाई, ऊंची मुंडेरों पे यानी छत की जो मुंडेर होती है उस पर भी, वहाँ उसने दीवार के ऊपर का हिस्सा जो ढलवान होता है, ढला हुआ होता है, और उस पर वो चिड़िया बैठी हुई है। चिड़िया कौन सी, वो उसका श्यामा नाम है। श्यामा एक तरह की चिड़िया होती है, सुरीली आवाज़ जिसकी होती है और बहुत छोटी चिड़िया होती है, आमतौर पर उसका रंग काला होता है और ऊँची इसी वजह से शायद उसको श्यामा कहा गया, श्याम माने काला भी होता है। और ऊँची मुंडेरों पर श्यामा भी गाई, मैं सौ तरह दे रही हूँ दोहाई। अब दोहाई देना ये मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, ये दोहाई देने यहाँ क्या मुराद है, यानी सुबह जो आ रही है वो तो अलग अलग तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को जगाना चाहती है, लेकिन शायद लोग अभी जाग नहीं रहे हैं, बेदार नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह से। तो अब दोहाई देने का मतलब जब कोई बहुत आजीज़ी की बात हो जाए, कहीं कोई काम ना हो पा रहा हो, तब वहाँ दोहाई दी जाती, मैं तो इसकी दोहाई देता हूँ, आप मेरा काम कर दीजिए, मैं इस तरह से। तो यहाँ सुबह को एक ऐसे ही लाचारी में दिखलाया गया है कि वो कितने तरीके से लोगों को जगाना चाहती है, लेकिन लोग हैं कि बेदार नहीं हो रहे हैं। चिड़ियां तो बेदार हो गई, परिंदे भी बेदार हो गए और जानवर भी बेदार हो गए, लेकिन इंसान ये है कि वो ज़रा मुश्किल से जागता है, बहुत देर में जागता है। तो वही कह रही है कि सुबह खुद कह रही है कि मैं सौ सौ तरह दे रही हूँ दुहाई, यानी वास्ता दे रही हूँ। दुहाई देना, वास्ता देना जो है कि भाई इसको अब ये काम कर दीजिए, अब ये काम, तो ये मुहावरा इस्तेमाल हुआ है। उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ, हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में। अब जब सुबह आ गई तो उससे रौनक कहाँ कहाँ होती है, पूरी दुनिया में रौनक फैल जाती है, जहाँ जहाँ भी उजाला पहुँचता है सूरज का, वहाँ लगता है कि बहुत खुशहाली नज़र आती है, लोग अपने काम पे लग जाते हैं, चाहे वो वन हो या पहाड़ हो। तो बन का जो आमतौर पर दिन रात, दिन में ऐसे भी तारीख होता है लेकिन रात में और सुनसान हो जाता है, लेकिन जब सूरज निकलता है, सुबह बेदाती है, तो उसकी वजह से पहाड़ और वन में एक रौनक सी आ जाती है, खुशहाली सी आ जाती है। हर एक मुल्क में, देश में और वतन में खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शम्मा को अंजुमन में। जब सुबह होती है
तो फूल जो शुभ के कली में बदले होते होते हैं, कली के लिए होते हैं, कली की तरह होते हैं, वो शुभ की ठंडी हवा से और कुछ रोशनी पा के, सूरज की रोशनी पा के वो खिल जाते हैं, बिल्कुल वह एकदम उनमें भी निखार आ जाता है। तो वही शुभ करे कि मेरी वजह से ही ये चमन में, गुलशन में, चाहे वन हो, चाहे पहाड़ हो, वतन हो, कहीं भी हो या अंजुमन हो, मेरी ही वजह से बहार है। और मेरा एक काम क्या है कि जब मैं सुबह हो जाती है, मैं चली आती हूँ, तो शम्मा में जो अंजुमन में जो शम्मा जल रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ उजाला होता है, अब उस शम्मा की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए कि मेरे सूरज के आगे मेरे होने से, मेरे आने से, अब उस शम्मे की जो रोशनी है वो बहुत हल्की हो जाती है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, आमतौर पर उसको बुझा दिया जाता है। उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बार बार सोने वालों की तकरार से इस नज़्म के में की खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा है और एक एहसास भी दिलाया जा रहा है कि हमें वक्त पर सोना भी चाहिए और वक्त पर उठना भी चाहिए। अब इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुए हैं, हम उनको अगर ये कहा जाए बच्चों से कि आप ऐसे लफ्ज़ों को तलाश करके लिखिए जो ख़ुद प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो प्लूरल फॉर्म यानी जमा के फॉर्म में इस्तेमाल हुए हैं, वो कौन से लफ्ज़ हैं उनकी एक फहरिस्त बना दी जाए, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लफ्ज़ हैं दरख्तों, चिड़िया, पेड़ों, दुमों, परों, मुंडेरों, ये सारे लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह इसमें और भी लफ्ज़ है जानवर और परिंद, चरिंद और परिंद आमतौर पर दो लफ्ज बोले जाते हैं साथ में, चरिंद यानी चरने वाले, जो जानवर आमतौर पर घास चरते हैं या नीचे ज़मीन में सर झुकाकर खाते पीते हैं, आमतौर पर उनको चरना कहा जाता है और चरने वाले जानवर, और एक परिंद यानी उड़ने वाला जिसको हम पखेरू कहते हैं या उड़ने वाला जानवर कहते हैं। तो इसमें चरिंद कौन कौन से हैं और परिंद कौन कौन से हैं, कुछ चिड़ियों के नाम उन्होंने लिए हैं सचानंद, उनकी एक हम फहरिस्त बनवा सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं। इसमें जानवरों का किसी का ऐसा नाम नहीं आया जो चरिंद हो, लेकिन जो है जानवर ये कहा गया खुशी से हर एक जानवर बोलता है, तो जानवर कितने तरह, दो तरह के हो सकते हैं, वो चरिंद भी हो सकते हैं और परिंद भी हो सकते हैं। यहाँ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी भी वजाहत कर दी गई है, हमें ये देखना चाहिए कि उन मुश्किल अल्फाज कौन कौन से हमारे लिए नए हैं, हम उनको किस तरह लिख सकते हैं और लिखने के साथ साथ हम उसको किस तरह अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम लिखेंगे, जुमले में इस्तेमाल करेंगे, उन लफ्ज़ों की बहुत मशक हो जाएगी और हमारे ज़खीरे अल्फाज में इजाफा होगा, यानी वोकैबुलरी हमारी बढ़ती जाएगी। वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि जैसे जैसे हम ज़बान सीखते जाते हैं और आगे की जमातों में चाहेंगे, तो हमें जो है नए नए लफ्ज़ सीखने पड़ेंगे और उन लफ्ज़ों का नुस्खा सीखना पड़ेगा, बल्कि उनको लिखने का भी तरीका मालूम होना चाहिए, उनकी वर्तनी यानी उनका इमला भी हमें जानना चाहिए और उनका लफ्ज़ों में सही इस्तेमाल भी जानना चाहिए। और अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसके एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा माने निकल रहे हों, तो उनको हम किस तरह अपनी जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहीं से तालिबिलों की क्रिएटिविटी का पता चलता है, तख्लीकियत का पता चलता है कि एक लफ्ज़ के कितने माने हो सकते हैं और हर माने के लिए हम अपने जुमले को कैसे तरतीब दे सकते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि इस नज़्म में ऐसे बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो मुख्तलिफ सूरत हाल में हमारी मदद करते हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नज़्म में यानी सुबह की आवत में शायर ने जो सबसे बड़ा पैगाम दिया है वो बेदारी का पैगाम दिया है, यानी हमें जो है बेदार होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए अपने माहौल से। हमें सिर्फ सोने के लिए नहीं बनाया कि हम सोने का ज़्यादा ज़्यादा वक्त जो है सोने में लगा दें, बल्कि एक ख़ास मुद्दत तक हमें आराम भी करना चाहिए। काम के बाद जो है आराम है और आराम के बाद फिर काम की ज़रूरत पड़ती है। जब हम आराम कर लेंगे तभी हम काम सही तरीके से कर सकते हैं। तो जिसमें एक जो पहलू दिया गया, जो ख़ास बात पर तवज्जो दी गई है कि जब सुबह आती है तो सारे लोग, इंसान तो इंसान जितने चरिंद परिंद, सारे लोग अपने कामों पर वक्त से लगते हैं, लेकिन इंसान शायद वक्त पे नहीं लग पाता, लिहाजा उसको ये पैगाम दिया गया है उन चरिंद के ज़रिए, परिंद के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए कि हमें भी वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह सही वक्त पे बेदार होना चाहिए और अपने कामों पे लगना चाहिए।
इसमें सोचिए और बताइए, ऐसे कई बहुत सारे सवाल किए गए जहाँ हमें बहुत गौर फिक्र की ज़रूरत है, और हम उन सवाल की मदद से अपने इमेजिनेशन को, अपने तखयल को बढ़ा सकते हैं। जैसे बाहर अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ, तो यहाँ बाहर दिखलाना मुहावरा भी इस्तेमाल हुआ है, और मशरक़ से बाहर दिखलाने का क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, इस सवाल का जवाब देने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें उस सबक को फिर पढ़ना पड़ेगा, उस नज़्म को पढ़ना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि मशरक़ किसको कहते हैं और मशरक़ से बाहर दिखलाने का क्या मतलब होता है। हमें उसका सही जवाब देने की ज़रूरत है। दिन के आने की खबर लाने से क्या मुराद है, यानी खबर दिन के आने की ला रही हूँ, यानी जब सूरज निकलने वाला था, सुबह आती है, तो इसका मतलब कि अब दिन होने वाला है, अब रात जाने वाली है, उजाला फैलने वाला है, तारीकी ख़त्म होने वाली है। इस तरह से हमें अपने आप को चाकु चौबंद कर लेना चाहिए, अपने कामों पर लग जाना चाहिए। अज़ा पर अज़ा मुर्ग देने लगा है, तो जाहिर बात है कि इसकी वजाहत हो चुकी है। अज़ा पर अज़ा यानी बार बार वो अज़ान दे रहा है, मुर्ग कई बार चिल्लाता है सुबह, आवाज़ देता है सुबह के वक्त, यानी ये कहीं ना कहीं एक तरह से वो भी हमारी मदद कर रहा है कि आपका सोने का वक्त, आराम करने का वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं बेदार हो चुका हूँ, मैं जाग गया हूँ, अब आप भी जागिए और अपने काम पर लगिए। जो है मेरी आम आमद के हैं गीत गाती, कौन गीत गाता नहीं, जाहिर बात है कि जो भी चिड़िया चहचहाती इधर से उधर आ जा रही हैं, दरख्तों पे चहचहाती हैं, कभी फूलों पे जाती हैं, कभी टहनी पे जाती हैं, बैठती हैं, तो इधर से उधर आना जाना और गीत, इससे शायर ने कहा ये मेरी आमद के गीत गाती हैं, मेरी तारीफ में ये गीत गा रही हैं कि मैं आ रही हूँ, ताकि अब वो चूँकि चिड़ियाँ गा रही हैं तो आप भी अपने काम पर लग जाइए। आखिरी बंद का मफहूम अपने अल्फाज में लिखिए, आखिरी बंद जाहिर सी बात है कि यहाँ जो दिया गया है, हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शम्मा को अंजुमन में, उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि वैसे तो हमें हर बंद का मफहूम मालूम होना चाहिए, हर बंद का मतलब समझना चाहिए, लेकिन किताब के हवाले से चूँकि ये मश्क ये बंद पे ख़ास तवज्जो दी गई है, तो यहाँ पर हमें इस पर ख़ास तवज्जो देकर उसका मफहूम अपने अल्फाज में लिखना चाहिए। अगर कहीं मुश्किल हो रही है तो हमें अपने उस्ताद की मदद लेनी चाहिए। इसी तरह अगली एक्सरसाइज है कि दिए गए मिसरों को सही लफ्ज़ से मुकम्मल कीजिए। हर मिसरे से कुछ ना कुछ जो है लफ्ज़ निकाल दिए गए हैं, और उन मिसरों में जैसे खाली जगहों को भरने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे मिसरे हैं जिनमें से एक एक लफ्ज़ निकाल दिया गया है। उन लफ्ज़ों को हम जब तक नज़्म नहीं पढ़ेंगे, उसको दोबारा समझेंगे नहीं, तब तक हम इसको भर नहीं सकते। जैसे पहला मिसरा है कि जो तोते ने बागों में मचाई, जो तोते ने बागों में और फिर गए से फिर मचाई, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आवाज़ यहाँ भरनी है, और तोते की आवाज़ क्या है, वो टेंटे हैं, जो तोते ने बागों में टेंटे मचाई, और ऊंचे मुंडेरों पे शामा भिगाई, तो शामा यहाँ लफ्ज नहीं है, और शामा वहाँ इतनी नद में आया है वो लफ्ज़, उसे चिड़िया का नाम है, तो वहाँ उसको हमें देखना है। होई मुझसे गैश पहाड़ और बन में, तो यहाँ लफ्ज़ रौनक निकाल दिया गया है, तो उस लफ्ज़ रौनक को हमें लिखना है और फिर पढ़ना है, होई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में। इसी तरह चौथा मिसरा है, खिलाते हुए फूल आई चमन में, तो यहाँ चमन लफ्ज़ निकाल दिया गया है, ये वो चमन को लिखना भी है और फिर पूरा मिसरा पढ़ना है। इसी तरह आगे भी इस तरह से चार मिसरे और दिए गए हैं, उन चारों मिसरों को भी हमें इसी तरह से नज़्म को देखकर उन लफ्ज़ों को तलाश करना है, और ख़ाली जगहों में उन लफ्ज़ों को लिखना भी है और पढ़ना भी है। इसमें बहुत सारे लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने की भी मशक दी गई है। जाहिर सी बात है, ज़बान सीखने का एक मकसद ये भी होता है कि आप जो नए लफ्ज़ सुन रहे हैं, उन लफ्ज़ों को अपने जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनना और बोलना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने जुमलों में उसको अदा करना, उस सही तरीके से अदा करना, उस लफ्ज़ का सही इस्तेमाल हो, सही अदायगी हो, उसका सही तलफ़ कर सकें, इन सब चीज़ों पर गौर करना है। तो ऐसे पाँच लफ्ज़ इसमें लिए गए हैं, और उन लफ्ज़ों की मदद से हमें जुमले बनाने हैं। वो पांच लफ्ज़ हैं, अजान, गीत, शमा, चमन और वतन। तो इन पांच लफ्ज़ों से हम बच्चों से अलग अलग जुमले बनवा सकते हैं। इसी तरह आइए एक और से तस्वीर दी, नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तस्वीर में ये दिखलाया गया कि सुबह हो रही है, सूरज निकल रहा है। दूसरी तस्वीर में ये दिखलाया गया है कि ये तालाब है, तालाब के किनारे कोई पहाड़ भी है, हल्की सी पहाड़ी है, और उसके पीछे से चाँद निकल रहा है, यानी वो तारीख की रात का मंजर है। एक दिन का मंजर दिखलाया गया, एक रात का मंजर। फिर एक तस्वीर में दिखलाया कि ठंडे का मौसम है,
ठंड मौसम है, यानी एक ऐसी लड़की दिखलाई गई है जिसके सर पे टोपी पहने हुई है और वो जैकेट भी पहने हुई है और अब उसकी तकरीबन जो है पूरा चेहरा बंद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन तस्वीरों की मदद से हमें मतजाद चीज़ों के यानी एंटोनिम्स का एहसास है कि नहीं है, कहाँ कौन सा मंजर पेश किया गया है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कि दिन का मंजर कौन है, रात का मंजर कौन है, हमें कैसे पता चलेगा ये ठंडा है ये गर्म है। तो ठंडा के लिए लड़की का इस्तेमाल कर लिया गया, उसके सर पर टोपी टोपा है पहन रखी है और फिर बाल उसके खुले हुए हैं लेकिन चेहरा बंद है। इसी तरह जो लड़का है तो वो गर्मी से परेशान, पसीना निकल रहा है, उसके पीछे सूरज दिखलाया गया है। तो इस तरह से हम उस मुख्तलिफ सिचुएशन में को कैसे पहचान सकते हैं कि जो मुख्तलिफ सूरत हाल जहाँ हों एक दूसरे के जो मुखालिफ हों एंटोनिम्स हों उनको कैसे पहचान सकें, कि विलोम जिसको कहते हैं, उन तस्वीरों को मदद से भी हमें कहीं ना कहीं इसको पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़बान सीखने में कवायद की बड़ी अहमियत होती है, तो कवायद को उस हिस्से को यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है। अगली एक और एक्सरसाइज है कि एक लफ्ज़ अलग अलग लिख दिए गए हैं, 5 अल्फाज हैं, उजाला, खुशी, ऊंची, बुझाती, ऊपर। ये 5 अल्फाज ऐसे दिए गए हैं और हर लफ्ज़ के सामने उसके 3 अल्टरनेट लफ्ज़ और दिए गए हैं। ऐसे उजाला के सामने चमकदार, अंधेरा, रोशनी। तो अब इन लफ्ज़ों की मदद से हमें मतजाद लफ्ज़ तलाश करने हैं और फिर सामने उसको लिखना भी है। तो उजाले का मतजाद यानी उस विलोम शब्द क्या होगा, चमकदार है, अंधेरा है या रोशनी है। हमें जाहिर सी बात है कि हम अंधेरा, जहाँ उजाला है तो वहाँ अंधेरा होगा, तो उसमें अंधेरा लफ्ज़ का इंतखाब करके सेलेक्ट करके हमें सामने लिखना है। इसी तरह खुशी के सामने मुसीबत, आराम, गम, 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं। खुशी का सही मुतबादल क्या है, मुतजाद लफ्ज़ क्या है, वो हमें देखना है और उसी हिसाब से हमको उस खाली जगहों को भरना है। तो जाहिर बात है कि कहीं खुशी कहीं गम, तो ये गम हमारे जहन में आएगा हम उन्हें फ़ौरन लिख देंगे। इसी तरह ऊंची के सामने ऊपरी, नीचे, गहराई। तो जाहिर बात है ऊंची का अगर कोई विलोम शब्द या मुतजाद लफ्ज़ हो सकता है तो वो नीचे होगा, तो हमें फ़ौरन पता चलेगा कि इस लफ्ज़ का इंतखाब करना है और सामने लिखना है। इसी तरह बुझाती और ऊपर, इनके सामने भी 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनकी मदद से हम उन लफ्ज़ों को, विलोम शब्दों को या मुतजाद लफ्ज़ों को तलाश करके आगे लिखेंगे। जो इसी तरह यहाँ 2 कालम, एक एक्सरसाइज और दी गई है, 2 कालम है इसमें, कि कुछ मिसरों को दाईं तरफ लिखा गया, कुछ मिसरों को बाईं तरफ लिखा गया, लेकिन हर मिसरे के में के दूसरे मिसरे को उसी तरतीब से ऊपर नहीं लिखा गया, कहीं नीचे ऊपर कर दिए गए हैं। तो इन लफ्ज़ों को यानी अलिब के एक कालम के मिसरों को और बी कालम के मिसरों को आपस में मिलाना है। इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई शेर हमें याद करना है या कोई शेर की हमें सही शनाख्त होनी है, सही शोर पैदा करना है, तो सही उसे एक मिसरा का, जो एक मिसरे का दूसरा मिसरा क्या हो सकता है, एक शेर की एक मिसरे की दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है, यानी शेर को सही तरीके से याद कैसे रखा जा सकता है, इस मशक की मदद से हम उसमें महारत पैदा कर सकते हैं। आगे की एक्सरसाइज है कि नीचे दी गई तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कई तस्वीरें हैं, तोता भी है, मैना भी है, शामा भी है, दरख्त है, शमा है, पहाड़ है। तो इन सब तस्वीरों को हम पहचानेंगे पहले, फिर उनका नाम लिखेंगे। हम पेड़ को दरख्त भी कहते हैं, तो पेड़ के सामने हम दोनों लफ्ज़ लिख सकते हैं, दरख्त भी लिख सकते हैं और पहाड़ भी लिख सकते हैं। इसी तरह इस सबक की आखिरी एक्सरसाइज, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। खुशखत लिखने में 5 लफ्ज़ दिए गए हैं, रौनक, अजब, मुर्ग, मशरक, शमा। तो इस तरह से इन लफ्ज़ों को लिखने का मतलब यह है कि खुशखत भी लिखें और उनको बुलंद आवाज़ से पढ़ें, यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ने का मतलब कि लफ्ज़ों को हम सही तरीके से अदा कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें सही हैं कि नहीं है, उनका तलफ़ सही हो रहा है उनके नहीं हो रहा है। जैसे लफ्ज़ रौनक आया, तो रौनक में अक्का की 2 आवाज़ें, एक बड़ा काव जिसको हम कहते हैं छोटा काव, तो अगर हम रौनक कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये लफ्ज़ तो अदा हो गया लेकिन सही तरीके से नहीं अदा हुआ, तो हम रौनक ना कहकर रौनक कहेंगे। काफ़ की आवाज़ निकालनी चाहिए यहाँ पर, जो हलक से निकलती है काफ़, रौनक। इसी तरह अजब, ऐन की आवाज़ मिलती जुलती, अलिफ की भी आवाज़ है, या की भी आवाज़ है, तो उन आवाज़ों को हम कैसे फ़र्क करें, अजब कहें या अजब कहें, ये देखना। इसी तरह मुर्ग, गाफ की आवाज़ यहाँ निकलेगी या गैन की आवाज़ निकलेगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हर्फ गैन है, गैन की आवाज़ को भी हमें निकालना है, तो मुर्ग।
इसी तरह मशरक देखिए, इसमें शीन भी है और काफ भी है। ऐसे रौनक में काफ था, इसी तरह मशरक में भी काफ है, तो हम मशरक कहेंगे, मशरक नहीं कहेंगे। दो इन आवाज़ों की बहुत सही अदायगी। इसी तरह शमा, अब शमा जो है आमतौर पर शमा नहीं, इनको हम दो बार पढ़ते हैं, तो शमा। तो इन पांच लफ्ज़ों की मदद से हम बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो हमारा तलफ़ुज़ भी सही होगा, उसकी सही अदायगी भी होगी। तो बच्चों आपने देखा कि इस पूरे सबक को यानी सुबह की आमद की मदद से हम किस तरह से न सिर्फ हमें वक्त की अहमियत का पता चलता है, उसका एहसास दिलाया गया है, बल्कि किस तरह हम वक्त के सही इस्तेमाल से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और इस सुबह नज़्म की मदद से सुनने बोलने पढ़ने और लिखने की महारतों को हम किस तरह फ़रोग दे सकते हैं, उसमें कवायद के जो हिस्से आए हैं उनको किस तरह सीख सकते हैं। इस तरह ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत कारामद हैं, और उम्मीद है कि आप इस सबक को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और इस नज़्म को बेहतर तरीके से समझने के बाद आप उसकी मशकों को भी अच्छी तरह से कर लिया होगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।